अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सर्डी वाइब्स। हेयर आई एम उस्मा महरीन विद अ न्यू वीडियो। सो आज की जो वीडियो है वो हमें सजेस्ट करी है रियाजुद्दीन जी ने, और रियाज जी ने हमें जो वीडियो सजेस्ट करी है उस वीडियो का नाम है 7 Heavens and 7 Earth इन कुरान एंड साइंस। वैसे तो मेरा ये बोलते टाइम बहुत फंबल हुआ था तो ये बहुत रिपीट हुआ है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे मुँह से नहीं निकल पाते, मेरे साथ ही कुछ ज़्यादा ही होता है। जब भी मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, मेरे साथ फंबल बहुत होता है। आई डोंट नो व्हाई, ऊपर वाले का शायद स्पेशल चाइल्ड में ही हो सकता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारी इस वीडियो के अंदर क्या है, 7 Heavens, और जिस चैनल से ये वीडियो ली गई है वो है हंसी टीवी। सो देखते हैं क्या है ये वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह तलाक की आयत 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए हैं। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से खबरदार है। इन आयत मुबारका से ये वाज़े हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी ज़ाहरी आंखों से आज देख रहे हैं वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नज़रों और सोच से बहुत बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है, जो एक साहिब अकल शख्स के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा कर सकती हैं कि तय बतय 7 आसमानों से और 7 ज़मीनों से दरअसल मुराद क्या है। क्या वाकई ही हमारी इस कायनात के जैसी कई और कायनातें भी वजूद रखती हैं, जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक वजूद रखती है और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी मौजूदा कायनात से बिल्कुल अलग और जुदा हैं, या फिर इससे मुराद ज़मीन के गिर्द मौजूद कुदरती हिफाजती तहें जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ज़मीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं जो कि हमारी ज़मीन को हर लम्हा खला से आने वाले बिरौनी खतरात से बचाती हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद को कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि 7 आसमानों से मुराद हमारे आसमान जैसे 6 और जहाँ भी हैं, जिसका वाज़े तौर पर जिक्र कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर किया गया है। कुरान करीम के अंदर 250 से ज़्यादा मकामात पर आसमान का जिक्र किया गया है, जैसा कि सूरह अन्नबा की आयत 12 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह अल इसरा की आयत 44 के अंदर अल्लाह पाक ने मजीद फरमाया, 7 आसमान और ज़मीन के अंदर जो लोग भी हैं सब की सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं, और मखलूकात में कोई भी चीज़ नहीं मगर इसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते, बेशक वो बुर्दबाद गफ्फार है। यानी कि खाली के कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई, और इन्हीं कायनातों के अंदर ज़मीन की तरह की ही कई ज़मीनें मौजूद हैं जहाँ पर कई नामालूम मखलूकात आबाद हो सकती हैं, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इस बात का वाज़ेह तरीन सबूत है, जब अपनी जनती सवारी बुराक पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमराह तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फैदूम या माउन है और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की शुआएँ फूटती हैं, यहाँ पर हज़रत ईसा और याहिया अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे ज़ोरा कहते हैं और ये सफ़ेद चांदी से बना है, यहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पाँचवें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। और सातवें आसमान पर जिसका नाम लाबिया या दामिया है और ये सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की ही तरह का एक और काबा, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, और जो एक बार इसका तवाफ़ कर ले इसकी दोबारा ज़िंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नुम मौजूद हैं, और जन्नत का हर दर्जा एक सियारे की सूरत में मौजूद है।
इसी तरह जहन्नुम के भी 7 दर्जे हैं, यानी के 7 सियारे या प्लैनेट इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी के बेरी के दरख्त तक मौजूद हैं, जो कि हर मखलूकात की हद है। और इससे आगे कोई भी मखलूकात अगर बढ़ना भी चाहे तो वो जल कर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सफर मेराज पर इससे भी आगे तशरीफ ले गए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, जो कि जमीन और आसमान या इस पूरी कायनात का अहाता किया हुआ है। क्यामत के रोज हर जिंदा चीज को फना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नुम को 7 आसमानों से अलग या जुदा बनाया गया है, क्योंकि क्यामत के बाद भी वो कायम रहेंगी। दोस्तों, कुरान करीम की जिन आयात के अंदर आसमानों के बाद जमीन जैसी 7 जमीनों का जिक्र मौजूद है, इससे मुराद जमीन की तह में मौजूद कोई लेयर्स नहीं है, मसलन क्रस्ट, मेंटल और कोर वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों में जमीन जैसी कई और जमीनें भी मौजूद हैं। और इन आयात के अंदर जमीन का हवाला देने का मतलब ये है कि वहां पर भी हमारी अर्थ की ही तरह कोई जिंदगी मौजूद हो सकती है। और ये जिंदगी किस सूरत के अंदर मौजूद है हम कुछ नहीं जानते, और इसकी मिसाल देने की वजह यह है कि जमीन जिंदगी की अलामत है और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजार कर आलम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर क्यामत तक आने वाली रूहें इंतजार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर निगहबान फरिश्ते इस रूह का हसब नसब पूछते हैं और फिर इसे इस दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसा कि सफरे मेराज पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान पर तारुफ करवाया और इन निगहबान फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी सिराह के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े सिराह के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है, यकीनन आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। इसी तरह मजीद फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को सिराह समझ लो और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस सिराह के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से 7 आसमानों के बारे में आपने यही बयान किया कि इन 7 आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज के अंदर नाकाबले यकीन हद तक बड़ा है, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने सिराह में पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज के बराबर हैं। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती है कि हमारी इस कायनात जैसी कई और कायनातें भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुदा और अलग अलग हैं। इस पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं, जिसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गूथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझ रहे थे वो दरअसल हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसके मुकाबले में 3×10^23 टाइम्स गुना बड़ी है, यानी कि ऐसी कायनात जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना ही इसका मुशाहदा कर सकते हैं और ना ही कभी इसे देख पाएंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसका हम अब तक मुशाहदा कर पाए हैं, इसका साइज है 46.5 बिलियन लाइट ईयर, जिसे अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक एक्चुअल यूनिवर्स के साइज यानी कि 3×10^23 से मल्टीप्लाई करें तो पहले आसमान का असल साइज सामने आता है, जो कि 4.28×10^23 बनती है, यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी जहां तक पहुंचने का वक्त नापने के अंदर शायद वक्त का पैमाने ही कम बढ़ जाए, जहां तक इंसान पहुंचने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। बल्कि हकीकत तो यह है कि वो अपने करीब तरीन चांद पर भी जाने के काबिल नहीं हो सका, सो 7 आसमानों पर पहुँचने के बारे में सोचना तो किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। कायनात की वसत अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानी है कि इस कदर पावर और टेक्नोलॉजी के हसूल के बावजूद इंसान पहले आसमान तक का सिरा तक नहीं ढूंढ पाए। खुद कुरान करीम ने चैलेंज किया है कि इंसान आसमान और जमीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता जहां तक इसकी हद मुकर्रर है। दोस्तों, किसी चीज का आंखों से नजर ना आना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज दरअसल मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हमारी इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत के अंदर मौजूद है। और हम इन चीजों को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि ये हमारे मुशाहदे की चीजें हैं और हम मुशाहदे का इनकार नहीं कर सकते, मसलन ग्रेविटी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस तरह की कई चीजें हमारी दुनिया और कायनात के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती। 7 आसमानों का तस्वुर भी जरा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि वह हमारी नजरों से किसी मसलियत की वजह से पोशीदा है। इस अजीम शान कायनात की तखलीक के बारे में दुनिया का तकरीबन हर शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखता है, जिसके मुताबिक हमारी कायनात एक नथिंग पॉइंट से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बंद थी, जिसका मैस अनलिमिटेड था और ग्रेविटी हद से ज्यादा, सो ये एक बड़े धमाके से फटकर बिखर गई, जिससे मौजूदा कायनात
स्टार्स, गैलेक्सीज और नेबुलस वगैरह सब कुछ बना। और ये भी कि यह हर लम्हा रोशनी की रफ्तार से मुसलसल अब तक फैल रही है, जैसा कि धमाके के बाद होता है कि चीज़ें दूर दूर तक बिखर जाती हैं, और जब इस धमाके की शिद्दत ख़त्म होगी तो ये फिर से वहीं पर वापस लिपटना शुरू कर देगी जहाँ से इसका आगाज हुआ। इसी बिग बैंग के बारे में कुरान करीम आज से 1400 साल पहले बयान करता है कि क्या काफरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। जबकि इस कायनात के खात्मे से मुतल्लिक अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं सब कुछ खुदा ने तुम्हारे ज़ेरे फरमान कर रखी हैं, और कश्तियाँ भी जो इसके हुक्म से दरिया के अंदर चलती हैं, और वो आसमान को थामे रखता है कि ज़मीन पर वो गिर ना पड़े मगर इसके हुक्म से। बेशक खुदा लोगों पर नहायत शफकत करने वाला और मेहरबान है। दोस्तों, यहाँ पर आसमान को थामने की बात करना कि वो गिर ना पड़े, इससे मुराद आज की ज़बान के अंदर, साइंस की ज़बान में, बिग क्रंच थ्योरी है, जिससे मुराद ये है कि जिस रफ्तार से हमारी ये कायनात फैल रही है इसी रफ्तार से एक दिन सुकड़ कर फिर से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बदल कर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी कि रिवर्स होकर, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह जिसके अंदर हवा भर कर इसे खोल दिया जाए और इसके बाद वो अपनी असली हालत के अंदर वापस आना शुरू कर दे। बिल्कुल यही हाल ग्रेविटी भी पूरी कायनात का करेगी। और ज़रा सोच कर देखें कि ये ग्रेविटी जैसी फोर्स दरअसल है क्या, जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वजूद रखती है, एक ऐसी ताकत जो निज़ाम कायनात संभाले हुए है लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, वरना पूरा आसमान और इसमें मौजूद हर एक चीज़ आज ही इंसानों पर गिर पड़े। आज से 1400 साल पहले इस कायनात के पैदा करने, इसके खात्मे और इसकी वसतों को अरब के सरा के अंदर जब किसी भी किस्म का कोई फलकियाती या कॉस्मोलॉजी का कोई इल्म मौजूद ही नहीं था, किसने अपने प्यारे पैगम्बर को ये सब बातें इतने वाज़े अंदाज के अंदर बयान की, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस आज के दौर की सबसे बड़ी दरियाफ्त के तौर पर पेश करके फ़ख्र महसूस करती हैं। यकीनन इस खालिक ने, जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला और इसके राजों को जानने वाला है, वो इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है, जिसके दस्ते कुदरत के अंदर इस पूरी कायनात का हर एक ज़रा है और वो इस ज़रे से भी गाफिल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो रियाज जी, ये वीडियो हमें अच्छी लगी, और आगे आप लोग ऐसी वीडियोस रिकमेंड करते रहिए और सजेस्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।